पर्वत के गोद में मौजूद है केदारनाथ। ये छोटा चार धाम यात्रा के चार स्तंभों में से एक है और हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जून 2013 में देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड, जहां केदारनाथ मौजूद है, वहां देश द्वारा झेली गई सबसे विनाशकारी प्राकृतिक त्रासदियों में से एक ने हमला किया। लगातार होने वाली बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से इस पहाड़ी राज्य की नदियां उफनने लगी और 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई परिवार बर्बाद हो गए क्योंकि उनके बेटे, पत्नियां और माता पिता गुम हो गए और वो कभी नहीं मिले। केदारनाथ का पवित्र शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि अचानक आई एक के बाद एक दो बाढ़ों ने इसे घेर लिया। इस बर्बादी के बावजूद मंदिर 2 महीनों के लिए सितंबर में फिर से खुला और फिर हमेशा की तरह सर्दियों के लिए बंद कर दिया गया। 4 मई 2014, इस त्रासदी के एक साल बाद इस मंदिर तक पहुंचना एक बार फिर मुमकिन हो गया है, लेकिन एक नए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रास्ते के जरिए। जोश से भरे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का एक समूह मंदिर को खोलने के समारोह के लिए पहुंचा, लेकिन ये लोग जल्दी ही यहां से चले गए। जो श्रद्धालु बेहद कम तापमान का सामना करके और नए और ज्यादा मुश्किल रास्ते को तय करके यहां पहुंचे हैं, बेशक उनकी तादाद कम है, लेकिन वो इस बात का सबूत है कि उनकी आस्था बर्बाद हो चुकी इस घाटी में धीरे धीरे मगर निश्चित ही बहाल हो रही है। अब से पहले वाले बरसों के विपरीत उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं के पास खुले मैदानों में कैंप लगाकर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है और मंदिर के खुलने के समय ये कैंप भी बर्फ से ढक गया। लेकिन सिर्फ एक साल पहले तक किसी ने भी ऐसे दृश्यों की कल्पना नहीं की होगी। मई 2013, मंदिर के दरवाजे हमेशा की तरह उन श्रद्धालुओं के लिए खोले गए जो अपने देवता की एक झलक पाने को उत्सुक थे। उस समय इस तीर्थ यात्रा का 14 किलोमीटर लंबा रास्ता गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाता था और गौरीकुंड तक पक्की सड़क मौजूद थी। इस रास्ते पर ढेरों खच्चर और लोगों को ले जाने वाली पालकियां मौजूद हुआ करती थीं और पैदल चलने वालों और इनके बीच जगह को लेकर मुकाबला चलता रहता था। उस सीजन में लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। हैदराबाद से आई ऐश्वर्या अग्रवाल भी केदारनाथ आने वाली एक ऐसी ही विजिटर थी। वो समय 19 साल की थी और 14 सदस्यों वाले एक ग्रुप का हिस्सा थी जिनमें उनके पिता, माँ और भाई बहन शामिल थे। केदारनाथ जाने का आइडिया मेरी आंटी का था। दरअसल हमें उस साल यूरोप जाना था मगर हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि मेरी आंटी और अंकल को कहीं और जाना पड़ा। तो हमने सोचा कि चार धाम जाना बेहतर होगा क्योंकि बजाय इसके कि तीनों परिवार अलग अलग जगहों पर जाएं, एक साथ मिलकर चार धाम जाना बेहतर होगा, इसलिए हमने चार धाम जाने का फैसला किया। लेकिन जून 2013 में मॉनसून जल्दी आ गया और मौसम की अजीबोगरीब स्थितियों की वजह से मामला और पेचीदा हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर आनंद शर्मा इस बदलाव को लेकर बहुत चिंता में थे। हुआ यह था कि एक लो प्रेशर एरिया बन गया था, उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पैदा हो गया था और ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने लगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होती है कैस्पियन सी के ब्लैक एरिया में और वहां से ये मॉइस्चर को लेकर आगे बढ़ती है और जब ये अरब सागर के ऊपर पहुंची तो इसने अरब सागर से भी मॉइस्चर को ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि इस सिस्टम ने अरब सागर से भी मॉइस्चर को लिया और साथ ही बंगाल की खाड़ी से चलने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूर्वी राजस्थान तक पहुंच गया था उसने भी अरब सागर से नमी ले ली। तो इस जगह पर काफी ज्यादा नमी जमा हो गई और उसके बाद इन दोनों सिस्टम्स का इंटरैक्शन हुआ।
और जब ये इंटरैक्शन हुआ तो इस सिस्टम ने अपना सारा का सारा मॉइस्चर हिमालय के हवाले कर दिया, और आमतौर पर जब ये राइट एंगल पर हमला करता है तो सारी की सारी नमी यमुना और गंगा के कछार इलाकों में पहुंच जाती है। 16 जून की सुबह तक भारी बारिश होते हुए 2 दिन बीत गए थे, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई थी। ऐश्वर्या और उनके परिवार ने मंदिर में अपनी पूजा अर्चना खत्म की और अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े, जो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर था। मंदिर के दर्शन करने वाला एक और परिवार अमित अग्रवाल का था। अमित राजस्थान के बूंदी से 8 लोगों के एक ग्रुप के साथ आए थे, जिसमें उनके परिवार के 4 सदस्य थे। इनमें उनकी पत्नी, 12 साल की बेटी और 7 साल का बेटा था। उस वक्त तक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन साथ में उत्तर से जो आने वाली हवा थी वो काफ़ी तेज थी और काफ़ी ठंडी थी। बारिश बढ़ने लगी, बारिश तेज होने लगी, हवा तेज चल रही थी, लेकिन तब तक भी दिमाग में कहीं भी ऐसा नहीं था कि कुछ हो सकता है। 16 जून की दोपहर को अमित और उनका परिवार गौरीकुंड की तरफ बढ़ गया। दोपहर ढलने तक वो आधे रास्ते रामबाड़ा तक पहुंच चुके थे। रामबाड़ा पहुंच के हम चाहते थे कि हम जल्द से जल्द गौरीकुंड पहुंच जाएं, लेकिन हमारे मन में एक अजीब सा डर था। उस डर को देखते हुए हम जल्द से जल्द उन केदार घाटी को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे, क्योंकि रामबाड़ा आते वक्त हमने जो भी रास्ते में देखा वो हमारे मन में एक बहुत ज़्यादा डर पैदा कर चुका था। हमारे मन में एक बहुत ज़्यादा खौफ था। हम किसी भी तरह से केदार घाटी से निकलना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया कि आप आगे नहीं जा सकते, सिर्फ वयस्क व्यक्ति ही आगे जा सकते हैं। उसने बताया आगे एक पुल टूट चुका है और उस पुल के टूटने के कारण जब तक पुल सही नहीं हो जाता आपको रामबाड़ा में रुकना होगा। वहाँ गली में एक वहाँ की सरकार का एक रेस्ट हाउस था, हमने किसी तरह से उस रेस्ट हाउस में जगह बना ली। उस वक्त वो रेस्ट हाउस बिल्कुल भरा हुआ था लोगों से। रेस्ट हाउस के साइड में मंदाकिनी नदी बह रही थी। लेकिन 16 जून की शाम होते होते हालात बद से बदतरीन होने लगे थे। पिछले साल हुए हादसे के लिए जिम्मेदार थी 2 से 3 दिन के दौरान होने वाली भारी से बहुत भारी बारिश, और इस दौरान 300 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के बीच भारी बारिश हुई। आप इसका अंदाजा कुछ यूं लगा सकते हैं कि दिल्ली या पुणे जैसे शहर में किसी एक पूरे साल में करीब 800 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी यहां सिर्फ 2 से 3 दिन में ही पूरे साल होने वाली बारिश का करीब 60% हिस्सा बरस गया। इस भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी ने खतरनाक रूप धारण कर लिया। रामबाड़ा में अपने गेस्ट हाउस की खिड़की के पास बैठे अमित बहुत चिंता से पानी के इस बढ़ते स्तर को देख रहे थे। मैंने जो रेस्ट हाउस में 2 घंटे गुजारे, मैंने उस वक्त ना तो अपने शूज उतारे ना अपना पिट्टू बैग उतारा। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक द्वंद्व चल रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तभी रेस्ट हाउस का मैनेजर करीब 1.5 घंटे बाद रेस्ट हाउस में आके, ये बात रही होगी करीब शाम के 4 बजे की 5 बजे की, आके बोला कि रेस्ट हाउस के बरामदे में पानी आ गया है, रेस्ट हाउस खाली करें। मैं पहले से बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा बेटी को तुम लेके आओ। हमने बच्चों को हाथ में पकड़ा और बच्चों को खींचते हुए, बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हम उन बच्चों को खींचते हुए आगे ले गए। हम करीब 300-400 मीटर ऊपर की ओर केदारनाथ वाली दिशा में ऊपर की ओर वापस दौड़े। अमित को ये पता नहीं था कि केदारनाथ में उफनती हुई मंदाकिनी नदी ग्लेशियरों से आने वाले मलबे के साथ तबाही मचा रही है, और उसने वहां के गेस्ट हाउस और मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इधर ऐश्वर्या और उनका परिवार गेस्ट हाउस में ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में आराम कर रहा था कि तभी जबरदस्त बाढ़ ने शहर पर हमला किया। मेरे अंकल चिल्लाए, फौरन भागो। हमने तो ये सोचा भी नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं था। हम तो बस भागने लगे। सब लोग जहाँ जा रहे थे हम भी उनके पीछे दौड़ते जा रहे थे, और हम दूसरी मंजिल पर पहुँच गए। बेड से जरा ही ऊपर एक खिड़की थी, उसके जरिए हम नदी का शोर सुन सकते थे। ये शोर बहुत ही तेज हो गया था। इस बाढ़ की वजह से केदारनाथ शहर को रास्ते से जोड़ने वाला एकमात्र पुल बह गया।
इससे सब लोग इसी शहर में फंसे रह गए। नीचे रामबाड़ा और गौरीकुंड में तो और भी बड़ा खतरा इन लोगों का इंतजार कर रहा था। जून 2013 मंदाकिनी नदी में अचानक बाढ़ आने से केदारनाथ कस्बा तबाह हो गया। इस इलाके को तहस नहस कर डालने वाली जो दो बाढ़ें अचानक आई थीं, ये उनमें से पहली थी। 14 लोग अपने गेस्ट हाउस के ग्राउंड फ्लोर से दूसरी मंजिल पर मौजूद एक खाली कमरे में पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इन्हीं में ऐश्वर्या अग्रवाल और उनका परिवार भी था। इधर नीचे रामबाड़ा कस्बे के नजदीक अमित अग्रवाल और उनका परिवार केदारनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर 200 मीटर ऊपर पहुंच चुके थे। अचानक ही जानलेवा पानी पहाड़ी से नीचे आने लगा, जिससे पगडंडी पर पानी भर गया। मैं पहाड़ के नीचे से गले फाड़ के जोर जोर से चिल्लाता रहा, जल्दी करो, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे साफ छलक रहे थे कि वो मतलब कितनी टेंशन में है, वो चाके भी अपना कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। और वो जैसे ही पानी उनसे टकराया, वो उस पानी के वेग को सहन नहीं कर पाए और वो जमीन पे गिर पड़े। मैं ये सब देख के एकदम सन्न रह गया। मुझे लगा कि मेरी पत्नी और बेटी कहीं बहने जाएं। मेरे हाथ में बैठा था, जिसकी उम्र 7 साल थी, वो पास के पहाड़ को चढ़ने में असमर्थ था। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, बेटे को बचाऊं या अपनी पत्नी और बेटी को बचाऊं। तभी मुझे लगा कि 2 is greater than 1, ये सोच के मैं तुरंत बच्चे को वहीं छोड़ के अपनी पत्नी और बेटी को बचाने दौड़ा। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे मेरा हाथ दो। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, पानी के बहाव में मैं भी नीचे गिर पड़ा। मुझे एक बार एक पल के लिए लगा कि हम तीनों जाने वाले हैं और बेटा बगल में खड़ा हुआ है और हमारे जाने के बाद बेटे की भी मौत निश्चित है। अचानक एक व्यक्ति वहाँ पे आया और उसने बोला कि मुझे अपना हाथ दो। और जैसे ही उस व्यक्ति ने हाथ दिया और मैंने उस हाथ को पकड़ा, हम तुरंत खड़े हो गए। तुरंत खड़े होते ही हम उस पानी से बाहर आ गए। फिलहाल अमित का परिवार सुरक्षित बच गया था, तो वो पगडंडी को छोड़कर ऊपर मौजूद जंगलों की तरफ बढ़ गए। पहाड़ी पर इस ऊंचाई वाली जगह से अमित ने जो कुछ देखा, उसने उन्हें बहुत डरा दिया। एक जोरों की आवाज हुई, एक जोरों का धमाका हुआ और हमारे राइट साइड में से केदारनाथ की तरफ से एक पानी का सैलाब इस तरह से आ रहा था जैसे मैं उसको बयान नहीं कर सकता। छलांगे लगाता हुआ पानी हिमालय की चोटियों से बहता हुआ तेज पानी आ रहा था। उस सैलाब में पूरे रामबाड़ा को तबाह कर दिया। सारी दुकानें, सारे रेस्ट हाउस ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। उस वक्त जब हम ऊपर की ओर दौड़े थे तो रामबाड़ा की हर दुकान भरी हुई थी। हर आदमी अपने आप को पानी से बचाने के लिए उसमें छुपा हुआ था। अगर हमें नीचे जगह मिल गई होती रेस्ट हाउस के आसपास किसी दुकान में, तो हम भी वहीं रुक जाते और उसके बाद क्या होता इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम भी उसी सैलाब में उन्हीं लोगों के साथ बह गए होते। सफर के रास्ते में बीच में मौजूद रामबाड़ा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ जो 5 होटल और करीब 150 दुकानें मौजूद थीं, अब उनका कोई नामो निशान नहीं था। घाटी के निचले हिस्से में गौरीकुंड में जहां तक सड़क मौजूद थी, 9 साल की महिका गुप्ता और 4 साल का धैर्य अपनी मां रेणु के साथ एक धर्मशाला में थे। ये उस ग्रुप का हिस्सा थे जो पिछले दिन केदारनाथ मंदिर का दर्शन करके गौरीकुंड लौट आए थे और दिल्ली लौटने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे कमरे बना रखे थे और उसमें बहुत लोग थे। हम वहाँ पर बैठे हुए थे तो इतने में एकदम पीछे से बहुत तेज आवाज़ हुई, जैसे कोई बम फटाओ। इतनी तेज आवाज़ हुई और बहुत तेज लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आई, भागो भागो भागो। हमने सारा सामान पकड़ा और नीचे टेम्पल था छोटा सा, उसमें आ गए।
तो जो पुजारी था उसने बोला ओम नमः शिवाय, जो आप करिए आपको कुछ नहीं होएगा। हमने एक बार दो बार तीन बार मुश्किल से ओम नमः शिवाय का जाप करा और दीवार तोड़ता हुआ पानी हम सबको कहाँ भाग के ले गया किसी को नहीं पता चला। जब हम पानी आ गया था तो मैंने अपने भाई को पकड़ लिया था जिससे वो पानी के सारे कहीं जाए ना, और जैसे ही पानी आया था हम सब इधर उधर चले गए थे ना। जब पानी सारे ऊपर जाए थे वो मलवी जैसा पानी था उसमें बहुत सारे स्टोन्स थे जो कहीं पे लग रहे थे, तो एकदम से मेरे भाई के पैर पे वो लग गया एक बिग स्टोन और उसकी बोन क्रैक हो गई। तो वहाँ पे ना कोई चिल्लाया कि एक खिड़की ऊपर से हम वहाँ से निकल सकते हैं, तो मैंने वो आवाज़ सुनी और मैं खिड़की को ढूंढने लग गई। एकदम से एक रोशनी दिखी, मैं उस जगह गई तो वहाँ पे एक विंडो थी, मैंने एक अंकल को आवाज़ लगाई तो उन अंकल ने आकर मेरे भाई को लिया और उन्होंने मुझे खींचा। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बिल्डिंग के चीतड़े हुए हुए थे, उसकी सरिये में फंसी हुई थी और मेरी आँख खुली तो मेरे साइड से ही रिवर बह रही थी और उसके अंदर ऊपर से सामान बह बह के आ रहा था। सबसे पहले मुझे बस यही था कि मेरे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और बस मुझे यहाँ से निकल के किसी तरह उनके पास जाना है। एक बार भी मन में नेगेटिव थॉट नहीं आया कि वो कहाँ होंगे या उनके साथ कुछ हो गया होगा। मैंने अपने आप को अकेला पाया तो मुझे लगा वो सब लोग एक साथ हैं, वो सब लोग बिल्कुल सेफ हैं। कुछ देर में ना मेरी मम्मा को कुछ लोगों ने बताया नीचे दो बच्चे हैं आप उनसे जाके मिल लीजिए, शायद वो आपके बेटे हों या बेटी। जब मैं वहाँ पर पहुँची उस हिल पे एक रूम बना हुआ था तो वहाँ पर लकली मुझे मेरे बच्चे दिखे। वो ऐसे मिट्टी में सने हुए थे, ऐसे मिट्टी में सने हुए थे, मेरे को पहचान भी नहीं आई कि ये मेरे बच्चे हैं। एक लेडी थी, उन्होंने मुझे अपनी साड़ी दी, मैंने उसकी चार तय करके भाईका को गांठ बांधकर उसको पहनाया और धैर्य को न्यूज़पेपर के अंदर लपेटा। रोड पे आने के बाद लोगों ने देखा कि एक ऊंची पहाड़ी पर एक ही जगह रोशनी है, सब उस रोशनी की तरफ ही भाग रहे थे, बाकी बिल्कुल अंधेरा था। लोगों को ना थकान महसूस हो रही थी ना कुछ, क्योंकि उन्हें सेफ प्लेस पे पहुंचना ही पहुंचना था। जो जगह थी रूम्स के बाहर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मेरे दोनों बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी तो मैं बाहर नहीं कर सकती थी, बारिश भी हो रही थी बाहर। हमें एक रूम मिला जहाँ पे हम तीन अंकल के साथ थे, तो उन्होंने वो रूम खोलकर मुझे और मेरे बच्चों को अंदर आने दिया। गौरीकुंड कस्बे पर भी इस हादसे का बहुत बुरा असर हुआ था। यहाँ कभी बेहद भीड़ भाड़ वाले होटल, गेस्ट हाउस और लोगों से भरा बाजार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा था और साथ ही थी जिंदगी की कुछ निशानियाँ। सत्रह जून की सुबह केदारनाथ घाटी एकदम वीरान पड़ी थी। ऐश्वर्या और उनके परिवार ने अब अलग थलग हो चुके अपने गेस्ट हाउस में रात बहुत चिंता में बिताई। उनके आसपास की तमाम इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी थीं। जब मैं 17 जून की सुबह सोकर उठी तो मेरे अंकल्स बाहर निकलकर आसपास का जायजा ले रहे थे। उन्होंने मुझे दिखाया कि बाढ़ बाईं तरफ से आने लगी है, लेकिन शायद 3 या 4 सेकंड बाद हमने देखा कि अब तो दाईं तरफ से भी पानी बढ़ता जा रहा है। जो पानी दाईं तरफ से आ रहा था उस पानी का कलर ब्राउन था, इसमें कीचड़ थी, इसके साथ पत्थर भी आ रहे थे। शायद ये सब हमने सिर्फ 5 सेकंड तक ही देखा होगा। सच मानिए मैं तो एकदम सन्न रह गई। उस वक्त मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। केदारनाथ के ठीक ऊपर मौजूद चोराबारी ग्लेशियर के पास ही चोराबारी लेक है। इसके किनारे टूट जाने से कीचड़, पत्थरों और पानी का एक जबरदस्त सैलाब केदारनाथ कस्बे की तरफ बढ़ चला। शुरू में तो सिर्फ पानी और पत्थर वगैरह ही बहते आ रहे थे, लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा तो पानी के साथ घर भी आ रहे थे। ये मंजर कुछ कुछ 2012 मूवी जैसा था। पानी के साथ साथ दूसरी बहुत सी चीजें भी बहती हुई आ रही थी जिससे मैं बहुत बहुत डर गई थी। मैं तो घबराकर कमरे के अंदर आ गई। मुझे लग रहा था कि अब ये पानी हमसे भी आ टकराएगा। फिर अचानक इमारत भी हिलने लगी जैसे कोई बड़ा भूकंप आ रहा हो। फिर करीब 30-40 सेकंड या शायद 3-4 मिनट बाद
शोर थोड़ा मेरा मतलब इमारत का हिलना कम हो गया। तब हमने सोचा कि चलो ओके फाइन, अब हम दरवाजा खोलते हैं। तो हमने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो पता चला कि आसपास की तमाम चीजें बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ ना तो सीढ़ियाँ थी और ना ही कुछ और। मैं बहुत डर गई, मुझे लगा कि अब तो हम मर जाएंगे। पूरी इमारत में दरार आने के कारण हमें लगा ये किसी भी वक्त गिर जाएगी, तो मंदिर की तरफ जाना बेहतर था। पहले कमरे में करीब 24 लोग थे तो वो पूरी तरह बह गया था और उसका फर्श झुककर जमीन पर टिक गया था। मेरे डैड ने सोचा कि हम बेडशीट की मदद से एक रस्सी जैसी चीज बनाते हैं और धर्मशाला से बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे डैड ने इस रस्सी को एक खंबे से बांधा जो दूसरी मंजिल पर मौजूद था, फिर वो नीचे चले गए। उसके बाद उन्होंने मेरी मदद की और इस ढाल पर से मैं नीचे उतरी। उसके बाद बाकी बच्चे भी नीचे आने लगे। जमीन पर पहुंचने के बाद जब मैंने पूरे इलाके की हालत देखी तो लगा जैसे कि मैं कोई मूवी सीन देख रही हूँ। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। शव बिखरे पड़े थे। गौरीकुंड में बेहद थकी हुई रेणु को इस बात का डर था कि जिस लॉज में उन्होंने रात बिताई थी अब वो सुरक्षित नहीं थी, तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ और ज्यादा ऊंचाई तक जाने का फैसला किया। वो पहाड़ी पर चढ़कर एक खाली अस्तबल तक पहुंच गई जहां उन्होंने आराम किया और वो किसी की मदद की उम्मीद में वहां इंतजार करने लगी। वहाँ पर सारा घोड़ों का सामान था, लकड़ी थी, भूसा था जो उनको खिलाने के लिए था। तो बहुत छोटी जगह थी, मतलब काटना वहाँ पे टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि दोनों बच्चों की हालत और ख़राब पे ख़राब होती जा रही थी। कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो बस ये था कि किसी तरह पहुँच जाए तो शायद सर्वाइव कर पाए, वरना सर्वाइव करने के कोई चांसेस नहीं थे। रामबाड़ा की पगडंडी से ऊपर जंगल में एक ठंडी और नम रात बिताने के बाद अमित और उनका परिवार अब पगडंडी के उस हिस्से पर लौट आया था जो अब भी ठीक ठाक था। अमित को एक प्लास्टिक शीट मिल गई थी जिसके नीचे छिपकर वो और उनका परिवार किसी तरह बारिश और ठंड से बचने की कोशिश करने लगे। रात को हमारे साथ एक विचित्र सी घटना हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति, हर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो अकेला था, असहाय था, वो एक आसरा चाह रहा था, तो वो हमारे त्रिपाल के अंदर घुसने की कोशिश करता। वो आदमी रात भर बूंदाबांदी थी, ओस गिरती है और ओस में सांस लेने में भी तकलीफ आती है। वो चाहता था कि हम इसकी त्रिपाल के अंदर बैठ जाऊं। वो मुझे धक्का देता कि बेटा मुझे अंदर बिठा ले। त्रिपाल में इतनी जगह नहीं थी कि मैं उसको अंदर ले सकूं। सुबह हमने देखा कि वो उस व्यक्ति की लाश हमारे बगल में पड़ी है। उसको बिठाने के लिए या तो मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को त्रिपाल के बाहर निकालता या मैं खुद बाहर आता, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। हादसे के बाद से पहली बार केदारनाथ में जिंदा बचे लोग उन जगहों से बाहर निकले जहां उन्होंने शरण ली थी, और फिर उन्हें चारों तरफ जबरदस्त तबाही नजर आई। कोई मदद की उम्मीद है भैया? मिलिट्री वगैरह की कोई उम्मीद है? कब तक? आप कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद के हैं भैया। आप फैमिली कितनी हो?
नहीं भैया, अभी तक तो ठीक है। आप कहाँ के हो? हम लोकल है। ये कस्बा बर्बाद हो चुका था और यहाँ के मलबों में शव पड़े हुए थे। मंदिर के मुख्य पुजारी बागेश लिंग मंदिर से बाहर निकले, जहाँ उन्होंने जिंदा बचने वाले अन्य लोगों के साथ शरण ले रखी थी। शाम को 4 बजे तक मंदिर के अंदर रहा, बाहर नहीं आया, क्योंकि इतना डर हो चुका है, जब हम बाहर आ जाएंगे तो फिर दोबारा आ जाएगा तो हम भेजाएंगे बोल के। तब मैं लास्ट में जब बाहर आया, बाहर आके देखते हैं जिस जगह में बिल्डिंग था, बिल्डिंग ही नहीं है, वो सब बड़े बड़े पत्थर आ चुका है। मतलब कुछ मालूम ही नहीं पड़ा था वहाँ क्या है, इतना पानी, इतना पत्थर कहाँ से आया। मतलब हम लोग सब, हमारा दिमाग भी ठंडा हो गया, मतलब कुछ काम नहीं करा, सब जीरो हो गए थे हम लोग। लास्ट फाइनल 2 सेकंड और पानी मंदिर के अंदर रहते, हम लोग भी नहीं बच पाते हैं, हम पहले डर के ही मर जाएंगे। ऐश्वर्या और उनके परिवार ने मंदिर के परिसर से दूर हटकर आसपास की पहाड़ियों पर किसी ऊंची और सुरक्षित जगह जाने का फैसला किया। यहाँ से ये लोग खुद को बचाए जाने की उम्मीद करने लगे। ऐश्वर्या और उनका परिवार ऊपरी पहाड़ियों की तरफ चला गया, जहाँ वो ज्यादा सुरक्षित थे। और इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये खबरें आने लगी कि घाटी में हालात ठीक नहीं थे। स्टेट सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहे थे जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। हम सब जानते हैं कि 16 और 17 को ये बड़ा हादसा पेश आया था। इसके आते ही हमें केदारनाथ से वायरलेस के जरिए पहली SOS कॉल मिली कि वहाँ कुछ हो गया था। लेकिन ये हादसा कितना बड़ा और कितना दुखदाई था, इसका अंदाजा हमें काफी समय तक मिल नहीं पाया। हम इस बारे में नहीं जान पाए थे। शाम होते होते एक बेहद साहसी पायलट की कोशिशों से हम उड़ान भर पाए और पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को केदारनाथ मंदिर के नजदीक उतारने की कोशिश की, हालांकि वहां कोई हेलीपैड नहीं था। इस साहसी पायलट का नाम है रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर भूपिंदर। ये भारतीय वायुसेना के एक पूर्व पायलट और एक गैलेंट्री अवार्ड विनर है। इन्हें केदारनाथ घाटी जाने के लिए कहा गया ताकि वहां के हालात पता चल सकें। धीरे धीरे हम गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहे थे। हमने गौरीकुंड को पार कर लिया क्योंकि हम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इसलिए हमें लगा कि गौरीकुंड में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन फिर उससे आगे हमें अंदाजा हुआ कि ट्रैक कई जगहों पर गायब था। वहां कई झरने नजर आ रहे थे जो कि पहले मौजूद ही नहीं थे। ये झरने एकदम नए थे और ये जहां भी दिख रहे थे वहां पतला सा रास्ता गायब हो गया था। मतलब ये कि रास्ता कई जगहों पर टूट गया था और इन हिस्सों में लोग फंसे हुए थे। तब जाकर सबसे डरावनी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई। अचानक हमें लगा कि हम तो रामबाड़ा को पहचान ही नहीं पा रहे थे, जबकि हम रामबाड़ा के ऊपर थे। तब मुझे समझ में आया कि रामबाड़ा का तो वजूद ही खत्म हो गया था, वो तो पूरी तरह गायब हो चुका था। भारतीय वायुसेना के एयर कमोडोर इसर तब देहरादून के जॉली ग्रांट एयरफील्ड में थे। असल में ऑपरेशंस की शुरुआत 18 जून की सुबह हुई। उस दिन हमने हालात का जायजा लेने के लिए एक उड़ान भरी थी, तो उस वक्त केदारनाथ की तरफ उड़ान भरते हुए हमें नुकसान का असल अंदाजा हुआ। नुकसान का अंदाजा होते ही हमने फौरन हेलीकॉप्टरों को खास तौर पर केदारनाथ से लोगों को निकालने के काम पर लगा दिया। लेकिन केदारनाथ की संकरी घाटी में मौसम अब भी उड़ान भरने के लिए फिट नहीं था। 19 को जब हमें ये अंदाजा हुआ कि मौसम की वजह से हम जॉली ग्रांट से ही अपने ऑपरेशंस को नहीं चला पाएंगे, तो हमें फॉरवर्ड बेसिस को लॉन्च करना पड़ा। 19 तारीख को ही हम 16 हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करने लगे थे। हम जानते थे कि हमें वहां ईंधन नहीं मिलेगा क्योंकि सड़कें बह चुकी थीं, इसलिए हमें झटपट एक प्लान बनाना था कि वहां तक फ्यूल कैसे पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बचाया जा सके। इस ऑपरेशन के लिए ये जरूरी था कि हेलीकॉप्टरों के लिए पर्याप्त ईंधन मिल पाता, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने एक अनोखा समाधान निकाला। Mi-26 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है, हमने उसमें खाली फ्यूल बाउजर्स को रख दिया और फिर उन्हें कई जगहों पर हमने पहुंचा दिया, जैसे कि धरासू और गाउचर और जोशीमठ में। लेकिन विशाल Mi-26 हेलीकॉप्टरों में ईंधन को लेकर उड़ना ही काफी नहीं था।
इस मुश्किल दौर में और भी हिम्मत भरी कोशिशों की जरूरत थी। भारतीय वायुसेना ने अपने C-130J हर्क्यूलीज विमान में तेल रखकर उसे धरासू में मौजूद इस्तेमाल में न आने वाले एयरफील्ड पर उतारने का फैसला किया। अब ये एयरफील्ड ही फिर से ईंधन भर चुके हेलीकॉप्टरों का एक फॉरवर्ड एयरबेस बनने वाला था। C-130 जिसे हमने हाल ही में हासिल किया है, ये वाकई वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। हमने न सिर्फ इसे धरासू में उतारा, वहाँ एक मिनी एयरबेस बनाया, बल्कि इसमें से ईंधन को निकाल के इन बाउजर्स में हमने भरा ताकि हेलीकॉप्टर अगले दिन उड़ान भर सके। और उसी दिन दोपहर तक 14 हेलीकॉप्टर धरासू से ऑपरेट करने लगे थे। इन बचाव अभियानों में करीब 60 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। इनमें मुख्य रूप से वायुसेना और सिविलियन ऑपरेटरों के हेलीकॉप्टर शामिल थे। वायुसेना और सेना के अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी बचाव अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने वाली अन्य एजेंसियों जैसे कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद की। कई एजेंसियों द्वारा एक साथ मिलकर चलाया गया ये बचाव अभियान हाल के दौर में ऐसे सबसे बड़े अभियानों में से एक था। इस हादसे के बाद करीब 1,00,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। सिर्फ सेना ने ही तकरीबन 40,000 लोगों को बचाया। एयरफोर्स ने 3,000 से ज्यादा उड़ानें भरी, 23,000 से ज्यादा लोगों को हादसे वाली जगहों से निकाला और करीब 700 टन से ज्यादा राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई। उन शुरुआती 3-4 दिनों में हम सुबह होते ही उठ जाते थे और उड़ान भरना शुरू कर देते थे। हमें बस तभी आराम मिलता था जब या तो मौसम खराब हो जाता था या हेलीकॉप्टर की देखरेख करनी होती, वरना हम लगातार उड़ान भरते रहते थे। पूरे दिन इतनी ज्यादा उड़ानें भरने के बाद हम बहुत ज्यादा थक जाया करते थे। और फिर इन लोगों का ये बुरा सपना खत्म हुआ। रेनू, ऐश्वर्या और अमित को आखिरकार उनके परिवारों के साथ बचा ही लिया गया। जो पिट्ठू का घर था, लकीली वहीं पर थोड़ी सी डिस्टेंस पे हेलीपैड बनना था। वहाँ जाकर बड़ी मुश्किल से एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और हम किसी तरह उससे आकर दूसरी जगह पहुंचे। गुप्तकाशी हमें उसने उतारा। 19 जून की सुबह जब हम 5 या 6 बजे जगे तो देखा कि हेलीकॉप्टर वहां पहुंचने लगे थे। पहले राउंड में मेरी मम्मी, मेरा एक कजन वहां से निकले। तो 20 जून को हमने देखा कि हम रामबाड़ा में काफी नीचे आधा किलोमीटर आगे कोई हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। बहुत मुश्किल खाई में हम रस्सी बांध के नीचे उतरे। इसके बाद हम वापस उस समतल जगह पे आ गए जहाँ पे करीब 200-250 लोग इकट्ठा हो गए। मेरी पत्नी और बेटी सेकंड राउंड में निकल गए, बेटा भी उनके साथ निकल गया और मेरा करीब सेकंड लास्ट राउंड में शाम को 5 बजे नंबर आया और उन 200-250 लोगों को करीब 50 से 60 राउंड के बीच में निकाल लिया गया। सैलानियों और श्रद्धालुओं को तो देखकर बचा लिया गया, लेकिन केदारनाथ घाटी के स्थानीय लोग गंभीर मुश्किलों में थे। बेहिसाब गांव और घर बह गए थे, परिवारों के रोजी कमाने वाले बाढ़ की भेंट चढ़ गए थे, इनके मवेशी मारे जा चुके थे और रोजी के तमाम जरिए हमेशा के लिए गुम हो चुके थे। सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक था उत्तरकाशी जिला। यहाँ इमारतें उफनते पानी में समा रही थीं और ये जगह ऐसे ही डरावनी दृश्यों के लिए मशहूर हो चुकी थी। जो नदी ज्यादातर एक खूबसूरत पहाड़ी दरिया के तौर पर बहा करती थी, वो एक उफनती और बेलगाम ताकत बन चुकी थी और किसी दानव की तरह अपने किनारों को निगलती जा रही थी। इस हादसे की गंभीरता और विशालता के बावजूद अनोखे साहस और संकल्प शक्ति की दास्तानों ने तमाम बाधाओं पर इंसानी जज्बे की जीत को बखूबी दिखाया। बहुत सी सरकारी एजेंसियां और एनजीओ सक्रिय हो गए थे और उन्होंने इस हादसे के शिकार लोगों तक राहत पहुंचाई। हमने सबसे पहला काम किया कि लोगों को इवैक्यूएट कराएं, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाएं और एक बार लोग सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाएं तो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो लोगों को मिले।
हालांकि बचाव और राहत का काम शुरू हो चुका था, लेकिन अब केदारनाथ और उत्तराखंड राज्य के सामने इस हादसे के फौरन बाद कई चुनौतियां खड़ी हुई थीं। और आज एक साल बाद भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। और हर कहीं बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। अगर आप मंदिर से थोड़ा दूर जाएं, तो आपको ऐसी तमाम निशानियां मिलेंगी जो जीवन के झटपट खत्म हो जाने को दर्शाती हैं। कपड़े आज भी बिना फर्श वाले कमरों में लटके हुए हैं और घर की तथा निजी चीजें हर कहीं बिखरी हुई हैं। ये सब उस हादसे की कड़वी यादें हैं जो इस शहर को झेलना पड़ा। मलबे और टनों कीचड़ को हटाने से जुड़ी चुनौती आसान नहीं है। देहरादून में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर वी के शर्मा के पास कुछ सुझाव हैं। मंदिरों के चारों तरफ मलबा इकट्ठा हो गया है, जिसे फौरन हटाए जाने की जरूरत है। मंदिर के दक्षिण में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हम इस मलबे को डाल सकते हैं। उन मैदानों को समतल इलाकों में बदला जा सकता है और इन्हें पार्क या मैदानों की शक्ल दी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि कुछ बड़े पत्थरों को विस्फोट से तोड़ने की जरूरत है, जिसके लिए हमने ग्रीन ब्लास्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। हमने ये भी सुझाव दिया है कि नए कस्बे को एक ज्यादा सुरक्षित जगह पर बनाया जाए और नदियों को चैनलाइज किया जाए, नदी के किनारों को मजबूत बनाया जाए, मंदिर के पिछले वाले हिस्से को भी और मजबूत बनाया जाए ताकि उस पर बड़े पत्थरों का असर ना हो। ये बहुत ऊंचाई वाला इलाका है और यहाँ मौसम और पहुँच से जुड़ी दिक्कतें भी मौजूद हैं, लिहाजा भविष्य चुनौतियों से भरा महसूस होता है। मुझे लगता है कि इतने बड़े इलाके को फिर से सामान्य बनाने में शायद एक दशक लग जाएगा। अगर किसी साइक्लोन, सुनामी या केदारनाथ जैसे हादसे से तबाही होती है तो हर मामले में हालात को पहले जैसा सामान्य बनाने के लिए 5 से 10 साल लग सकते हैं। भारत ने जिस सुनामी का सामना किया था उसके प्रभाव को खत्म करने में 10 साल लग ही गए। ये एक ऐसी जगह है जहां काम वाला सीजन सिर्फ 3 या 4 महीने होता है और इन 3-4 महीनों के दौरान हर दोपहर को बारिश होती है, यानी काम करने के लिए कुछ घंटे ही होते हैं। आप 6 से 12 बजे तक ही काम कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप भरोसे से नहीं कह सकते कि आपको काम करने का वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। हवा शुरू हो जाती है, दोपहर के बाद तापमान कम हो जाता है, इसकी वजह से भी आप इस तरह के इलाकों में काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ मदद लेनी होगी टेक्नोलॉजी की। सिर्फ इंसानी कोशिशों से ही ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, हमें टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए। केदारनाथ और इस हादसे से बर्बाद हुए इलाकों को फिर से ठीक ठाक करने के लिए एक लंबी और मेहनत भरी कोशिश की जरूरत होगी। लेकिन केदार घाटी और मंदिर को फिर से खोलने से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है लोगों की आस्था को बहाल करना। जो श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं उन्हें आस्था और हिम्मत दोनों की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल इस आपदा में जिंदा बचे बहादुर लोगों की तरह। जिंदा बचने की जो हिम्मत थी, जो हौसला था, वो इसलिए था क्योंकि हम सब लोग साथ थे। अगर 3 परिवारों के बजाय सिर्फ 1 परिवार ही होता तो मुझे नहीं लगता कि हम इतनी दूर तक पहुंच पाते। हम सब आपस में हिम्मत बंधाते रहे। एक पल के लिए मुझे लगा कि अगर आज मैंने अपनी पत्नी और बेटी को बचाने नहीं गया होता तो वो डेफिनेटली उस पानी में बह गए होते और उनके बिना मेरे और मेरे बेटे का जीवन भी, आप यह समझिए, एक तरह से समाप्त हो जाता। उन परिस्थितियों में मेरे लिए, मेरे द्वारा वो लिया गया निर्णय मुझे पता है गलत था, क्योंकि मैं और मेरा बेटा सुरक्षित थे। मैं सुरक्षित को छोड़ के अपनी असुरक्षित पत्नी और बेटी को बचाने गया और एक ऐसा क्षण आ गया था कि हम तीनों ही मंदाकिनी में बहने वाले थे, लेकिन ये ईश्वर की एक असीम कृपा थी कि उसने हमें उस पानी से बचाया और वापस मुझे मेरे बेटे से मिलाया। अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो डेफिनेटली मेरी पत्नी
और बेटी आज मेरे बीच नहीं होते। मैका बचपन से बहादुर तो है, लेकिन जो उसको अपने भाई के लिए लव है वो इतना ज़्यादा है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इतना कर सकती है कि उसने कर भी दिया, अपने आप को कुछ भी करके वो उसको सेव करेगी, इतना लव है उसके अंदर उसके लिए। प्रेमी का काम मैंने थोड़ी ना करा है, गॉड ने करा है, गॉड ने हेल्प करी मेरी। लोग हमसे बहुत उम्मीद कर रहे थे कि हम उनकी जान बचाएंगे और हमें उनकी उम्मीद कायम रखनी थी। सारा देश हमसे उम्मीदें लगाए था और इसी बात की वजह से हम इतनी अच्छी तरह काम कर पाए। महिका को बच्चों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया क्योंकि उसने बहुत बहादुरी और हिम्मत का परिचय दिया था।